हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा एक मेकअप लुक। सो ये जो मेकअप लुक है स्पेशली मैंने क्रिएट किया है बिगिनर के लिए। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से मेकअप करना नहीं आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। सो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको इस वीडियो को मैं शेयर करूंगी, ताकि अगर आप चाहो आप भी ऐसे खूबसूरत सा मेकअप लुक आप क्रिएट कर पाएं। सो और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है सारे डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। और सब पूरा मेकअप जो मैंने किया है अंडर 200 रुपीज़ में, जो कि एक अफोर्डेबल मेकअप लुक होने वाला है। सो अभी मेकअप को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है टोनर कम सनस्क्रीन स्प्रे। सो अगर मॉर्निंग के टाइम आप मेकअप कर रहे हैं हमेशा टोनर यूज़ कीजिए और उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। और मैंने यहाँ पे वाओ का सनस्क्रीन स्प्रे यूज़ किया है। उसके बाद मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने लैक्मी का मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है, क्योंकि विंटर टाइम अभी आ गया है तो फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ किया है। सो अगर आप चाहें आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बीबी क्रीम यूज़ किया है क्योंकि इसको ब्लेंड बहुत जल्दी से ये हो जाता है और एक अच्छा शेयर कवरेज भी देता है। सो फेस और नेक में हमेशा फाउंडेशन आपको अप्लाई करना है। कंसीलर के लिए मैंने डार्लिंग इसाबेला का लिक्विड कंसीलर का यूज़ किया है। तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स है या फिर मेरी तरह मतलब अगर थोड़ा सा डार्क सर्कल है तो डेफिनेटली आप कंसीलर डेफिनेटली यूज़ कीजिएगा। और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैंने अच्छी तरीके से कंसीलर को भी ब्लेंड कर लिया है। ओके, पूरा मेकअप को सेट करने के लिए मैंने L18 का कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ किया है। सो ये भी एक अंडर 100 रुपीज़, मतलब ये 100 रुपीज़ का कॉम्पैक्ट पाउडर है, लेकिन थोड़ा सा पाउडरी है लेकिन मेकअप को अच्छे तरीके से सेट करता है। तो फेस और नेक को मैं अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी। और आईब्रोज के लिए मैंने यहाँ पे मार्स की आईब्रो पैलेट का यूज़ किया है। और कैसे आप एक बहुत अच्छे तरीके से आईब्रोज को फिलिंग कर सकते हो इसके ऊपर मैंने वीडियो भी शेयर किया है, मैं आई बटन पे दे दूंगी। ओके, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा स्मोकी आई लुक करने वाली हूँ। तो पहले मैंने इस कलर को एक फ्लैट ब्रश में लेकर पूरे आईलिड पे इस लाइट कलर को आपको पहले अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश लेना है, देन उससे थोड़ा सा एक डार्क कलर को लेकर आपको जो आपने आईलिड पे कलर को अप्लाई किया है आईलिड के कलर के साथ आपको अच्छी तरीके से ब्लेंड करते हुए क्रीज से लेकर ट्रांजिशन पे कलर को आपको ब्लेंड करना है। सो ये दो आई शेडो की हेल्प से आप एक बहुत ही परफेक्ट स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्राउनिश काइंड ऑफ अ स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है। आप अगर जो भी स्मोकी आई लुक करना चाहते हैं डेफिनेटली आप ऐसे स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो आप भी कर पाओगे। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे भी मैंने इसी आई शेडो को मैं थोड़ा सा स्मोक आउट कर लिया है। सो बहुत ही इजी वे में, क्विक एंड इजी वे में जस्ट 2 मिनट में आप ऐसे स्मोकी आई लुक कर सकते हो। देन लाइनर के लिए मैंने कलर एसेंस का आईलाइनर का यूज़ किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपर लैश लाइन के क्लोज को लाइनर को मैंने अप्लाई किया है। सो ऐसे अगर आप लाइनर अप्लाई करते हो तो आप मिस नहीं करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लाइनर एप्लीकेशन भी हो जाता है। तो कलर एसेंस का जो आईलाइनर है ये बिगिनर के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, आप अच्छे तरीके से लाइनर को अप्लाई भी कर सकते हैं। देन मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का हाइपर कर्लिंग मस्कारा का यूज़ किया है। सो अपर एंड लोअर लैशेस पे 1 से 2 कोट मैंने अप्लाई किया है और मैंने यहाँ पे काजल को स्किप किया है। अगर आप चाहें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। देन कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पे कफ्स एंड लैशेस के कंट्रोल पाउडर का यूज़ किया है। सो अपने हॉलोज ऑफ चिक्स में मैंने कंट्रोल कर लिया है और थोड़ा सा जॉ लाइन पे। सो इससे क्या होता है ना, आपके फेस बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड लगता है और थोड़ा सा पतला भी लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। देन फोरहेड को और नोज को भी मैं कंट्रोल कर लूँगी। ब्लश के लिए भी मैंने सेम कलर कफ्स एंड लैशेस का ही ब्लश का यूज़ किया है। सो अपने एपल ऑफ चिक्स में मैंने ब्लश को अप्लाई कर लिया है। सो आपको थोड़ा सा स्माइल करना है और एपल ऑफ चिक्स में आपको ब्लश को अप्लाई कर लेना है। पूरा मेकअप को सेट करने के लिए मैंने स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया है। सो ये भी अंडर 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा और ऑनलाइन में कभी कभी ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में मिल जाता है। ओके, सो या अभी मेकअप को सेट कर लेने के बाद आपको यूज़ करना है हाइलाइटर। तो मैंने यहाँ पे मैलियो का हाइलाइटर का यूज़ किया है। ये भी अंडर 200 रुपीज़ में आपको मिल जाता है, बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है गाइस, ट्रस्ट मी अमेजिंग हाइलाइटर है। ओके, लिपस्टिक के लिए मैंने मी ऑन का लिपस्टिक का यूज़ किया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल एक मैट फॉर्मूला में लिपस्टिक है। सो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक को थोड़ा सा न्यूट्रल साइड पे रखा है।
सो या दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक यू गाइज, आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। सो ऐसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिपस्टिक को अप्लाई किया है, अगर आप चाहें आप कोई डार्क लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और दुर्गा पूजा रिलेटेड इससे पहले मैंने जितने भी वीडियो शेयर किया है अगर आपने नहीं देखा है, सारे वीडियो की जो लिंक्स है मैं आई बटन पे दे दूंगी ताकि आप चेक कर पाए। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए सारे आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तब मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।